Good morning, guys. What's up? This is Shubhadeep and you're watching the Cruise Life. So, guys, I'm pretty excited today. Why am I excited? देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा. So basically, it's सुबह के 9-11 बज रहा है and it's Sunday morning and I'm going to गुवाहाटी. मैं नहीं, मेरे साथ जा रहा है और दो बंदा जो कि है Swapnil and Rick. So me, Swapnil and Rick are basically going to गुवाहाटी through Swapnil's car. बाइक नहीं ले रहा है क्योंकि उसका भी एक रीज़न है. एंड इफ़ यू आर वॉच्ड माई लाइक लास्ट 3 or 4 व्लॉग्स, यू विल गेट टू नो वाई आई एम गोइंग. गेस पता कर सकते हो, ठीक है. एंड या सो इफ़ यू हैवन्ट वॉच्ड इट येट, गो एंड वॉच, यू विल गेट टू नो. सो सामान जो कैरी कर रहा हूँ मैं, वो देख लीजिए आप एक बार. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव माई वाइल्ड क्राफ्ट बैग फॉर द लगेज, कपड़ा वपड़ा लेने के लिए. Next is my God's backpack for carrying the camera equipments, electronic equipments, charger, verger, sab kuch. Next comes my Rhinox riding jacket and the helmet which I wear, Steelbirds hands-free. Also, I have this Orazo shoe, riding shoe. Ye main recently kharida hu, but I haven't unboxed it yet, so अनबॉक्सिंग विल बी डन इन दिस वीडियो और इन अ सेपरेट वीडियो. इसको मैं लेके जा रहा हूँ, बेसिकली ऐसे ही लेके जाऊँगा आप लोग को, मतलब अनबॉक्सिंग दिखाना है, ठीक है. सो गाइज, बेसिकली दिस आर द थिंग्स विच आई एम कैरिंग. एंड अभी अब तो सोच सकते हो कि एक बंदा कार में जा रहा है, हेलमेट, ग्लव्स, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ये सब लेके क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहना पड़ेगा आप लोग को. अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया तो अच्छा है, अगर नहीं लगाया तो देखते रहिए ये व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग. सफर सामान को ठीक से रखना, ठीक है. ऑलराइट, सो निकल गए. सो पहला स्टॉप पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरेंगे. ये रहा रिक, अरे हां, ये रहा Swapnil, हमारे वालों में था. एंड ये है रंजीता. रंजीता हाय. हाय रंजीता, हाय बोलो दाओ रंजीता, हाय. ऑलराइट गाइस, तो अभी मिलते हैं आपसे, मतलब शहर से निकलने के बाद अभी पेट्रोल वेट्रोल भराते हैं, फिर मिलते हैं. और क्या बोल रहे तू? जा रहे हैं भाई का काम पे, तो भाई सब खर्चा उठा रहे हैं हम सब का. स्पॉन्सर्ड भाई क्रूज लाइफ. भाई के पास तो मतलब पेड़ है ना पैसा का. ऑलराइट गाइस, सो कुछ भी अर्थ से निकले हुए हम लोग को हो गया लगभग 20-25 किलोमीटर. टाइम हो रहा है 11. आराम से जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है. बेसिकली यहाँ से है 350 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हम लोग का हो गया है. सो 325 टू गो मोर. मस्ती मजा कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं. ये रहा चूतिया, ये रहा और एक चूतिया, और ये रहा हम लोग का ड्राइवर इन लॉ. तो चल रहा है, ठीक है. अभी तूफानगंज क्रॉस किया, अभी बक्सीघाट की तरफ जा रहे हैं. तो बेसिकली हम लोग बक्सीघाट जो गोवालपाड़ा का रूट है वो रूट नहीं लेंगे हम लोग, बोंगाईगा होके बोरपेटा होके जाएंगे बेसिकली. सो वो कहाँ से हम लोग जाएंगे यार, बोल दे. तूफानगंज होके रोशिक बिल होके फिर हम लोग वो कामाखागुरी वाला फोर लेन पकड़ेंगे, फिर वहाँ से एक ही रास्ता है. तो चलो अभी थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए रास्ते का. लेट्स गो. अभी थोड़ा खेद है क्योंकि Swapnil को जोर से लग गया है 2 नंबर का. जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे तो उसका 2 नंबर लगा ही रहता है. सो हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं एंड वो करके आएगा अपना महान काम, फिर हम लोग फिर से निकलेंगे. तो रुकते हैं, अभी 12 बज रहा है बेसिकली. सो लेट हिम कम, देन अगेन विल हिट बैक द रोड. ऑलराइट, चलो उसका कंप्लीट.
ऑलराइट देवी और सज्जन, अभी थोड़ा प्लेस चेंज हो गया है क्योंकि हमारे भाई को, भाई मतलब ये भाई को गाड़ी चलाना था बेसिकली, सो वो अभी ऑन द ड्राइवर सीट, मैं सामने बैठा हूँ क्योंकि अभी आप लोग को थोड़ा सीन सीनरी दिखाना है, ठीक है। एंड रिक पीछे बैठा है एंड रंजित दा भी पीछे बैठा है, तो चला रहे हैं। एंड सोमनील, इन फ्यू डेज यू आर गोना बी द प्राउड ओनर ऑफ किया सेल्टोस, होपफुली ये इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये खरीद रहा है, ठीक है, ये किया सेल्टोस खरीद रहा है, सो होपफुली बाय अ मंथ और टू ही इज गोना गेट इट। अभी आईडन में जा रहा है, दो दिन बाद जाएंगे किया सेल्टोस पे, पार्टी को जा रहे हैं, क्या बोलता है रिक? और रिक भी अपना बाइक बेच दिया, क्या पता दो दिन बाद एक Z650 या Z900 ही आ जाए, क्या बोलता है रिक? नहीं नहीं भाई, मेरे औकात के बाहर है, मैं भी एक स्कूटी सोच रहा हूँ। हाँ स्कूटी, तुम लोग बाइक लेके जाना, मैं गाड़ी लेके पीछे में जाऊंगा। हाँ वही तो, कॉन्वॉय निकालेंगे हम लोग एक साथ, रिकवरी व्हीकल, रिकवरी व्हीकल, बैकअप व्हीकल, बैकअप व्हीकल, किया सेल्टोस बैकअप व्हीकल। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1 बजे एंड गर्मी बहुत बढ़ चुका है, पूरा धूप है जैसे की आप देख सकते हैं, एसी पूरा चालू है, आराम से जा रहा है, मस्ती करते करते, चलो चलते देखते रहिए। कैसे है आप लोग यार? अभी हम लोग है, अभी हम लोग है बंगाई गांव में, टाइम हो रहा है 1:43, भूख भी लग गया थोड़ा बहुत, तो सामने खोज रहा है, मतलब सामने एक क्या ढाबा का नाम बोला है तू? अनन्या ढाबा, अनन्या ढाबा, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली लंच करेंगे। एंड अभी ट्रैफिक में रुके हैं, मतलब ट्रैफिक स्टॉप में रुके हैं, वो पुलिस वाले भैया हम लोग को रोक के रखा है, अभी तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है, सामने मिलते हैं आपसे ढाबा में, ओके, वेलकम वेलकम अनन्या ढाबा, स्वागतम। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आके पहुंच चुका है अनन्या ढाबा, इट्स 2:47 राइट नाउ यहाँ पे। तो गाइस बहुत भूख लगा है यार, इट्स अनन्या ढाबा है समवेयर नियर बोरपेटा रोड, एक्चुअली बोरपेटा रोड के आउटस्कर्ट्स में है यहाँ पे, तो खाना वाना ऑर्डर कर चुके हैं एंड अपन खा रहा है मटन थाली, रिक भी मटन थाली, फॉक्रोनील थाली एंड रजित दा भी थाली खा रहा है, सो वेटिंग फॉर द फूड, हंगरी एज फक राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो लेट मी शो यू द फूड्स आफ्टर इट कम्स इन अ सिनेमैटिक स्टाइल काइंड ऑफ, टिल देन वॉच। Alrighty, right guys, so खाना वाना अभी कम्प्लीट, अभी थोड़ा बहुत नींद आ रहा है यार, बहुत नींद आ रहा है अभी, क्योंकि पता है बंगाली आदमी है, राइस वाइस खाने के बाद तो नींद आता ही है, वो तो मैंडरी रेडी है हम लोग का, ठीक है, क्या बोला है? बहुत खाना खा लिया, पेट भी भर गया, जुगाड़ ये तो पूरा जुगाड़ होगा लेने के लिए, सोना है हम लोग का बेसिकली यार, बहुत अभी 160 किलोमीटर के आसपास है अभी तक, अभी गुवाहाटी फिर 3 घंटा 2.5-3 घंटा तो लग ही जाएगा, सो अभी तो थोड़ा सोना मांगता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सोना है, ये एकदम हीरो के पोज में चश्मा वश्मा पहन के तो देख, मुझे नहीं सोना, मुझे देखते नींद आता है या नहीं, क्योंकि कार में मेरा नींद नहीं आता है उतना। एनीवेज तब तक देखते रहिए and meet you somewhere near Guwahati, till then keep watching, bye bye. Okay.
मैं बड़ा सो गया रिक। रिक सो रहा है, तेरा क्या खबर है भाई? बढ़िया एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। चलो अच्छा है। हर साइड में पहाड़ ही पहाड़ है, कितना अच्छा लगा। लास्ट टाइम हम लोग ग्वालपाड़ा से गया था, वो रोड भी अच्छा है, उसका नेचुरल ब्यूटी भी अच्छा है, इसका भी बहुत ही अच्छा है यार। आप खुद से देखिए, आप खुद का खुद से मजा लीजिए इस जगह का। गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, इट्स 7:19। एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था सो रास्ते पे रुके, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो 6 बजे ही घुस जाते, बट या कोई बात नहीं। एंड अभी है हम लोग भांगाघाट नाम का एक जगह में, एंड वी आर स्टेइंग एट ओयो कोजी होम्स। आपको पता है शायद तक जो लोग गुवाहाटी में रहता है, आई थिंक दे नो अबाउट दिस प्लेस। काफ़ी अच्छा होटल है, लास्ट टाइम जब अरुणाचल गए थे तभी भी हम लोग यहीं पे रुके थे, सो क्वाइट काइंड ऑफ अटैच्ड काइंड ऑफ थिंग। सो द थिंग इज, आज का व्लॉग यहाँ तक ही होगा। पता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि क्या सरप्राइज क्या सरप्राइज, वो सरप्राइज आपको कल मिलेगा। सो आज के लिए थोड़ा मतलब शांति। सो बेसिकली आज का व्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। कल जाएंगे वो सरप्राइज दिखाने के लिए, एक्चुअली वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चीज़ है। सो बेसिकली थिंग्स आर समथिंग लाइक दैट। Alright guys, so with that said, this is Shivadeep signing off from the cruise life. Keep watching, ride hard, ride safe.